हेलो क्लास, वेलकम टू कोडर स्टडी फोरम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर जो भी अभी तक पढ़ा है, पहले मैं उन चीजों को थोड़ा सा आपको क्विकली रिवाइज करा देना चाहूंगा, और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें हेनरी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, और हेनरी लॉ पढ़ने के साथ साथ हम लोग ये भी डील करना सीखेंगे कि हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल किए कैसे जाते हैं। किए जाने का मतलब टेबल में उनका फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हेनरी लॉ आता है तो उसके कितने तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका बेसिक प्रोसीजर और एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से हमें चलना है जिससे उस क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये आज हमारे आज के टॉपिक का कंसिडरेशन रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसा एज यूजुअल जितने भी लेक्चर सभी पढ़ रखे हैं पहले उनको मैं थोड़ा फास्टली रिवाइज कराऊंगा, एक हल्का सा रिकैप देना चाहूंगा, थोड़ा ये फास्ट मैं बोलूंगा, उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आप लोगों को पढ़ाया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, वहां मैंने सिखाया था कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते थे। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, सेम होता है। कंपोनेंट दो होते थे, एक सॉल्यूट होता था, एक सॉल्यूट हुआ जो लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट हुआ जो एक्सेस अमाउंट में होता था। कितने कंपोनेंट होते थे उस बेसिस पे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट होते थे तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट होते थे तो टर्नरी सॉल्यूशन। ये सब पढ़ने के बाद आप लोग कंसंट्रेशन सीखे थे कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसे कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए और मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट आप लोगों ने पढ़ी थी, और उनके न्यूमेरिकल भी डील किए थे, जिनमें से मास परसेंटेज, मैंने मोल फ्रैक्शन, मैंने पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मिलिटी। मास परसेंटेज में मैंने पढ़ाया कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द 100 पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब 100 पार्ट्स में कोई कितने पार्ट्स है। मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला, जिसका भी मास परसेंट निकालना हो उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये डील कराया। मोल फ्रैक्शन, मोल का रेशियो है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये सब सिखाया। मोल फ्रैक्शन का संबन होता था। फिर मैंने आप लोगों को मोलैरिटी सिखाई, मोलैरिटी जो होता था वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्मूला सीखा आप लोगों ने, मोलैरिटी इक्वल टू WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैलिटी मैंने सिखाया, मोलैलिटी और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट होता है, फॉर्मूला भी सीखा WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू WA इन ग्राम। ये सारी चीजें सीखने के बाद आपने सीखा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में मोलैलिटी ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया कि एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन और एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन, दोनों में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो एक मोलर आप लोगों ने सीखा, क्यों उसका रीजन आप पुरानी वीडियो में जाकर देख भी सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, इन सारी कहानियों को सिखाने के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी सिखाया था। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी सिखाया, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें और सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्यूट का उसको बोलते थे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के दो केस हमने सिखाए थे, एक मैंने सिखाया था सॉलिड इन लिक्विड और एक मैंने सिखाया था गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में मैंने सिखाया कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, जिनमें से आप लोगों ने पहला सीखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें रूल आपने सीखा था लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता था। इन सब के अलावा और भी जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें कंसंट्रेशन पे इफेक्ट मैंने सिखाया था कि भाई सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था। याद करिए मैंने पढ़ाया था कि टेम्परेचर में दो केस होते थे, हम टेम्परेचर के डिपेंडेंसी के दौरान ये देखेंगे कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैंने इनका रीजन भी एक्सप्लेन किया था लीच एटलियर के अकॉर्डिंग, अगर आपको रीड करना हो तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख भी सकते हो। प्रेशर का कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं था, लेकिन गैस की जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं लिक्विड के अंदर तो वहां पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता था। वहां पर आप लोगों को मैंने समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस उसके अंदर क्या होगी, डिजॉल्व होगी। और इस नियम को हम लोगों ने एक नाम दिया था जिसे हम जानते हैं किस नाम से, हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में हम हेनरी लॉ को ही डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं।
आप लोगों को लास्ट क्लास में सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने आपसे कहा था कि माना अगर आपके सामने कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में माना वाटर फिलअप है, याद करिए आपको मैंने कुछ इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया था। माना ये कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर वाटर जो है वो फिलअप है। अगर इस वाटर के अंदर इसके ऊपर कोई गैस प्रेजेंट है, अगर उसके ऊपर कोई गैस क्या है प्रेजेंट है, तो ये गैस कोलाइड करती थी और कोलाइड करने के बाद सॉल्वेंट के बीच का जो स्पेस होता था उसमें चली जाती थी गैस के मॉलिक्यूल, और जिसके कारण कोई भी गैस लिक्विड के अंदर क्या होता है डिजॉल्व होता है। वहां पर पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर तुम किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर दो बाय हेल्प ऑफ पिस्टन बाय अनदर एनी वे किसी भी मेथड से आपने अगर उसके ऊपर क्या कर दिया प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने क्या किया मेरा बच्चा प्रेशर को इंक्रीज किया, तो कोलिजन के नंबर जो होंगे गैस के विद वाटर सरफेस वो बढ़ जाएंगे, जिससे गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो अब और डिजॉल्व होंगे। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है उतनी ही ज्यादा गैस डिजॉल्व होती है। इसी नियम को हम लोग जानते थे, इस नाम से हेनरी लॉ के नाम से जानते थे, 11th क्लास में भी डील किया था। वहां पर आप लोगों ने ऐसे सीखा था कि m हम लोगों ने क्या सीखा था मास, इसको मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूं, m क्या होता है मास या फिर क्या होता है अमाउंट, और किसका ऑफ गैस, कौन जो डिजॉल्व हो रहा है, कहां डिजॉल्व हो रहा है इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर जो मास या अमाउंट ऑफ अ गैस डिजॉल्व हो रहा है ये इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस डिजॉल्व होगी, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। यहां पर पी क्या है, पी इज द पार्शियल प्रेशर, पी क्या है पी इज द पार्शियल प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, क्लियर है। और यहां पर इस नियम के दौरान जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और इसी को हम लोगों ने एक नाम दे दिया मेरा बच्चा, इस रूल को और इस नियम को हम लोगों ने एक नाम दे दिया जिसे हम जानते हैं किस नाम से, हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं, हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं, क्लियर। अब मेरी कुछ बातें अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई बताइए हेनरी लॉ क्या होता है, तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक्सप्रेशन याद करोगे तब भी काम चल जाएगा। 11th में तो एक्सप्रेशन ऐसे ही होता था, अब 12th में कभी कभी किताबों में या एनसीईआरटी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, मास को रिप्लेस किया गया है किससे, मोल फ्रैक्शन से। एक्चुअली में कहानी में है क्या कि जब हेनरी ने इस नियम को दिया था उसी समय हेनरी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था डाल्टन, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बताया, उन्होंने इसी नियम का ही यूज किया और उन्होंने ये कहा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, एंड वाइस वर्सा। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर। अब ये कहानी क्यों भाई आ गई, ये कहानी इसलिए भी आ गई कि जो मोल फ्रैक्शन होता है मैं उस मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर सकता हूं मास से, मन में आएगा भाई कैसे रिप्लेस होगा। एक्चुअली अगर माना किसी लिक्विड के अंदर ज्यादा गैस प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली चीज है। याद करिए 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ते थे, वहां पर जब ट्रेंड लिखा होता है ना तो उसमें ट्रेंड में ऐसे लिखा होता है एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिग साइज, अब जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई का है वही साइज का है लेकिन ऑब्लिग देके लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि रेडियाई और साइज एक ही चीज हो गया, वहां पर रेडियाई तो 2D हो गया न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की डिस्टेंस और जो साइज है दैट इज 3D, मतलब लेकिन चूंकि एक बात तो कंफर्म है कि भाई जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा उतना ही ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, बिल्कुल वैसे ही अगर लिक्विड के अंदर ज्यादा गैस प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए डाल्टन ने कुछ कॉन्सेप्ट्स और एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे मास को पार्शियल मास को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस किया। अब आपको 12th क्लास में हेनरी लॉ को कुछ ऐसे ही डील करना है।
मतलब अगर आपको हेनरी लॉ को डिफाइन करना हो तो आप हेनरी लॉ को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो क्या दस, इसको हम मोल फ्रैक्शन को एक नाम और कह सकते हैं दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर और कहां अबव द लिक्विड सरफेस, इसी को स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, आप क्या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहता क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ये कहता क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो देख रहे हो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसके डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा पार्शियल प्रेशर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर, और किसका पार्शियल प्रेशर बताओ, पार्शियल प्रेशर कहां अबव द लिक्विड, अबव द लिक्विड सरफेस। हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको, वहां पर जो टेम्परेचर होना चाहिए उसी समय वो क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट, एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखिए एक नंबर को मैं आपने डिफिनेशन लिख लिया, ज्यादा चांस नहीं होते हैं डिफिनेशन के, लेकिन तब भी आप चीजों को याद करके चलिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आसान जब बनाना होता है तो नॉर्मली ही वो बोल देते हैं कि वन मार्क्स में आप क्या करिए हेनरी लॉ को डिफाइन करिए। डिफिनेशन ये नहीं है कि बैठ के एग्जाम के एक दिन पहले हम याद करेंगे, आपको बस क्या है कि एक्सप्रेशन दिमाग में रखिए उसी से परमानेंट याद रहेगी। हमें एग्जाम के टाइम केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, जो चीजें याद करनी है वो धीरे से धीरे अभी प्रैक्टिस करते चलेंगे वो याद होता रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम में केवल अपनी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया जाता है एग्जाम के टाइम। तो हेनरी लॉ में फिर से देखिए केवल इस टर्म को पढ़, ये इतना ही याद करना है, ये क्या था सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन किसका गैस का, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस वो है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, और कब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इसी नियम को हम लोगों ने क्या नाम दिया हेनरी लॉ। According to the Henry law, the solubility of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface at a constant temperature. यह Henry law का statement हो गया। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान दे बेटा। क्या बातें ध्यान देने लायक हैं? जिस पे आपको ध्यान देना है, पहले तो mathematical expression पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर जैसे ही partial pressure of gas जो होता है, इसमें directly proportional sign हटाते हो, तो एक constant आता है, that is kH. एक कांस्टेंट आता है दैट इज नोन एज केएच। ये देखिए फॉर्मूला आ गया, यहां पर जो केएच है वो क्या है मेरा प्यारा बच्चा, मैं बता दूं आपको, इसे हम जानते हैं किस नाम से, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसे हम किस नाम से जानते हैं मोल फ्रैक्शन, और किसका ये मोल फ्रैक्शन है बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहां पर ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर अबाउट द लिक्विड सरफेस, ये क्या है पार्शियल प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्लियर है? ये तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। अब हेनरी लॉ के स्टेटमेंट के क्लियर होने के साथ ही साथ अभी हम लोग सीख लेते हैं कि इसकी अप्लीकेशन कहां पर होता है। एक्चुअली इसकी अप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लियर? इसी साल के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बने थे हेनरी लॉ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर बेस। तो एप्लीकेशन में चार पांच क्वेश्चन जो रैंडमली ज्यादातर आते हैं, पहले मैं उन्हीं पे ही उनको ही डील करूंगा, जिनमें से देखिए बच्चा पहला, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही एप्लीकेशन बता दे रहा हूं एग्जाम में कैसे आता है। जैसे पहला एक क्वेश्चन बेटा आता है एप्लीकेशन की फॉर्म में कि बताइए वाई, क्या वाई वी हियर, हमें क्यों सुनाई देता है why we hear hissing sound, हमें क्यों सुनाई देता है hissing sound या fizz और fizz, कब when you open the knob of cold drink bottle। अच्छा यहां पर मैं केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर बच्चा? यहां पर मैं केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो एक्यूरेट वर्डिंग है वो आपको जो बुकलेट मिली है
आपको जो भी बुकलेट यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी कोचिंग के थ्रू, अभी तो पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें एक्चुअल लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन उस लैंग्वेज को तो बाद में हम रटेंगे, पहले समझने का काम कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो ये आ गया मेरा बच्चा, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आ गया। अब इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये कहता है कि बताइए जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की नॉब को खोलते हो अचानक तो हिसिंग साउंड क्यों सुनाई देता है, एक गैस की आवाज आती है बाहर निकलने की, तो वो साउंड क्यों सुनाई देता है, उसको हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन हुआ, देखो आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से बोलोगे कि हमने कहा कि माना ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, हमने कहा माना ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, क्लियर। अब इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की ये क्या होगी बेटा, नॉब हो गई, इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की ये क्या हो गई, नॉब हो गई। एक बात तो मैं तुमको बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की जो नॉब होती है उसके अंदर जो गैस होती है जो डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर, वो काफी हाई प्रेशर पे डिजॉल्व की जाती है। आपने पढ़ा भी है नीला में कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी, तो CO2 जो डिजॉल्व भी होती है ना वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होती है। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जैसे ही इस नॉब को तुमने हटा दिया, जैसे ही इस नॉब को तुमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जैसे ही इस नॉब को तुमने क्या कर दिया, रिमूव किया, मैं इसको लिख दे रहा हूं एज वी रिमूव, लैंग्वेज के कीवर्ड बता दे रहा हूं, एज वी रिमूव द नॉब ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल। देखो बेटा लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि जैसे ही तुमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक बॉटल की नॉब को ओपन किया, तो देखो यहां भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्या था, ज्यादा, क्योंकि हाई प्रेशर पे कोल्ड ड्रिंक फिलअप की जाती है, तो जैसे नॉब को तुम खोल दोगे तो यहां का प्रेशर एटमोस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो गया, ज्यादा प्रेशर के कंपेरिजन में वो नॉर्मल प्रेशर हो गया। तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की नॉब को तुमने खोला तो जो प्रेशर है, कौन सा, अबव द लिक्विड सरफेस, प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस के ऊपर का जो प्रेशर है अबव द लिक्विड सरफेस, वो तुरंत क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अच्छा प्रेशर कम हो जाने से सर होगा क्या, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो भाई आप समझो एज पर हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ कहता क्या है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के, यही तो है ना। एक बार समझ लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में केवल थ्योरी थ्योरी नहीं लिखना है आपको, ये जो कीवर्ड्स हैं ये जरूर पकड़ने कि एज पर हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दो कि नॉब की बॉटल को खोला और वो गैस अपने आप निकलने लगी एंड ब्ला ब्ला, कुछ सही चलेगा, आपको ये कीवर्ड्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आपने क्या कहा, एज पर हेनरी लॉ। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जो सॉलिबिलिटी थी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, वो भी क्या हो जाएगी मेरा प्यारा बेटा, डिक्रीज। और जब गैस की सॉलिबिलिटी कम हो गई तो मतलब जो गैस डिजॉल्व थी अब वो कम डिजॉल्व रह पाएगी, कम डिजॉल्व रह पाएगी का मतलब क्या, गैस स्टार्ट टू कम, गैस बोले तो CO2 स्टार्ट हो जाएगी वो टू कम्स आउट फ्रॉम द बॉटल, कम्स आउट फ्रॉम द बॉटल, मतलब बॉटल से क्या हो जाएगी वो गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई सो वी हियर, इसलिए को वो हिसिंग साउंड सुनाई देता है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा। तो पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या डील किया करा बच्चा, कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की नॉब को जब हम खोलते हैं तो हमको हिसिंग साउंड क्यों सुनाई देता है। वहां से छोटे छोटे वर्ड्स को कॉपी करिए और उसको जोड़ के पूरा स्टेटमेंट बना लोगे। क्या बोलोगे कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को नॉब को हम खोलते हैं वैसे ही लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो गया, और लिक्विड की सरफेस के ऊपर का प्रेशर कम हो गया तो हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, गैस की सॉल्युबिलिटी अगर कम हो गई तो मतलब जो गैस डिजॉल्व थी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और वही जो गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो रही है उसी के कारण आपको क्या सुनाई देता है, हिसिंग साउंड। क्लियर बच्चा। चलिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर टू। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर टू तो एक बार मैं डील भी कर चुका हूं लेकिन दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल
comfortable into deep water, और किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू सरफेस वाटर, ये भी मेरा प्यारा बच्चा मैं एक बार बता चुका था सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में, उसको बताने का एक तरीका था टेम्परेचर वाला, लेकिन इसको हेनिला से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे। अब ध्यान दो मेरा प्यारा बच्चा, मैंने उस समय भी ये बताया था कि जैसे माना ये कहानी ऐसे है, यहां पर ये वाटर है, ये हमने क्या कहा था यहां पर, हमने कहा था मान लो से भाई ये सरफेस वाटर है, ये तो बताया ना हमने, कहा था मान लो ये क्या है सरफेस वाटर और ये क्या है डीप वाटर। तो वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, क्लियर है। तो क्या बोलोगे आप कहानी में, बोलोगे क्या, एज वी मूव डाउनवर्ड इन वाटर, जैसे ही वाटर में तुम नीचे की तरफ आओगे देन प्रेशर इंक्रीजेस और वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर से वही कहानी, हेनरी लॉ को बीच में लिखना ही लिखना है, क्या एज पर हेनरी लॉ, ये सब एक्सप्रेशन लिख दिया करो बच्चा। जब प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और यहां पर गैस कौन सी है O2, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, तो उससे जब सॉल्युबिलिटी होगी मेरा प्यारा बच्चा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है। मतलब O2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, अगर सरफेस में तुम वाटर देखो तो उसके कंपैरिजन में नीचे प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर है तो हेनरी लॉ कहता है कि ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा गैस डिजॉल्व होगी, मतलब ज्यादा O2 प्रेजेंट है। तो अगर मोर O2 प्रेजेंस है तो इन डीप वाटर तो डीप वाटर में क्या हुआ, इन डीप वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर O2, इसके कारण एक्वाटिक लाइफ फील कंफर्टेबल, और इसके कारण ही एक्वाटिक लाइफ को कंफर्टेबल फील होता है, क्लियर। तो देखो ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही एक एक नंबर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं हेनरी लॉ प्रेजेंस, तो वो आप लोगों ने डील किया है, समझ लिया। चलो भैया ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डील कर लिए, और अगला देखते हैं क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जामों में मेरा, अच्छा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आता है ठीक। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि बताइए व्हाट इज मेंट बाय क्या मतलब होता है बेंड्स का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें बता दूं बेंड्स का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है डीकंप्रेशन सिकनेस, इसका एक नाम और होता है डीकंप्रेशन सिकनेस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो बेंड्स करके ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर इस नाम से आ जाए तो आपको पता ना हो, तो बेंड्स को ही एक नाम और देते हैं कि बताइए भैया डीकंप्रेशन सिकनेस क्या होती है। इसको भी मैं समझा दे रहा हूं, इस जो एक्चुअल वर्डिंग है वो आप जो भी आपको बुकलेट मटेरियल मिलेगा पीडीएफ की फाइल में भी ग्रुप पे आप उससे लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं केवल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रख रहा हूं भाई। बेंड्स में एक्चुअली का मैं सीधी कंडीशन ही बताता हूं, देखो कंडीशन क्या है बेंड्स में, तो ऐसे मान के चलो मेरा पता होता है माना ये सी वाटर है, क्लियर, हमने कहा माना ये सी वाटर है भाई, ये ऐसे समुद्र है सी वाटर, गुड। अब भैया इस सी वाटर में होता क्या है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, हमने कहा माना ये इंसान है, इंसान बोले तो स्कूबा डाइवर्स जो पानी के नीचे जाते हैं, ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है स्कूबा डाइवर्स। आप लोगों को पता है कि स्कूबा डाइवर्स एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर वो स्पेशल सूट पहन के ना जाए तो उनकी बॉडी तक बस्ट कर जाए। आप ऐसे ही नॉर्मल सोचो कि उसके ऊपर पानी का कितना वेट होता होगा, आपके ऊपर कोई 100 किलो पानी अगर लाद दे तो कितना ज्यादा आपको वेट महसूस होगा, और नीचे उसके ऊपर पानी का अमाउंट देखो कितना ज्यादा है। तो एक बात ये कंफर्म दिमाग में आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगी कि नीचे आने पे प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। अब कंफर्म हो गया कि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, क्लियर। तो भाई ये जब स्कूबा डाइवर जाते हैं ना तो एक अपने साथ में नीचे उनको O2 चाहिए, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं ये लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं।
लेकिन इस ऑक्सीजन सिलेंडर की मैं खाली बताऊं कि बिल्कुल जैसा यहाँ फीलिंग आ रही है बिल्कुल वैसी ही फीलिंग वहां पर आए, तो वो केवल O2 ही नहीं लेके जाते हैं, उसमें गैसेस का मिक्सचर होता है, मतलब इसके अंदर O2 भी प्रेजेंट होती है, N2 भी प्रेजेंट होती है और थोड़ी सी हीलियम भी होती है, जिससे उनको वैसा ही फील आए जैसा बाहर सांस लेने में फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल O2 थोड़ी है, O2 है, N2 है, CO2 है, बहुत सारी गैसेस। तो इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट होती है। अभी मैं बेड्स बनाऊंगा, अभी तो फिर ये कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं। अब भाई इसको बटावर्स नीचे गया, कोई समस्या नहीं, इसको बटावर्स हम नीचे पहुंचा और नीचे पहुंचने के बाद ये नीचे पहुंचा और नीचे पहुंचने के बाद अचानक जब वो टर्न लेता है, अचानक जब वो टर्न लेता है और वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, अचानक जब वो टर्न लेता है और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो इसको एक काफी पेनफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, एक काफी पेनफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, उसी को बोलते हैं बेटा क्यों पेनफुल कंडीशन, क्या है भाई वो, उसको हम समझेंगे पेनफुल कंडीशन कैसे क्रिएट हुई। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में एक्चुअली एक चीज मेरा बच्चा ध्यान सुन, होगा क्या कि जैसे अगर मैं यहां पर सांस ले रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, उससे ज्यादा चीजें समझाएंगी, जैसे मैं यहां पर सांस ले रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं, अब मैंने सांस लिया, हमने कहा कि माना 5 ग्राम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो रही है, अभी नॉर्मल सांस लिया तो 5 ग्राम ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व हो रही है, लेकिन जब वो बहुत डीप वाटर में होता है, वो नीचे होता है, तो नीचे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा ज्यादा जब प्रेशर रहेगा तो हैंडिला क्या कहेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जब नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा और तब वो जो सांस लेगा तो ज्यादा O2 डिजॉल्व होगी, O2 ही नहीं ज्यादा डिजॉल्व होगी, O2 के साथ बाकी गैसेस भी डिजॉल्व होंगी, मतलब जैसे O2 है, N2 है और हीलियम है। अब ये N2 जो होता है ये तो ब्लड में डिजॉल्व नहीं रहती है, ब्लड में नहीं डिजॉल्व होती है, केवल O2 ही डिजॉल्व होता है, ये जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के ऊपर ही रहती है N2। लेकिन समस्या का क्या क्या आई, अभी तक ये नहीं समझ पाई कि समस्या क्या है, वो जब ज्यादा नीचे चला गया, हमने समझा कि ज्यादा नीचे चला गया, ज्यादा नीचे जाने पे प्रेशर ज्यादा होगा, चलो देखते हैं, एज स्कूबा डाइवर्स, कुछ कंडीशन लिखते हैं, एज स्कूबा डाइवर्स गोज, या जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो कहां जाते हैं, गो इन डीप वाटर, गो इन डीप वाटर, जब स्कूबा डाइवर डीप वाटर नीचे जाते हैं, क्लियर, ये एक बात कंफर्म, तो नीचे प्रेशर क्या होता है मेरा बच्चा, नीचे प्रेशर क्या होता है, काफी ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा होता है, और प्रेशर ज्यादा होगा तो मोर गैस विल डिजॉल्व इन, मोर गैस विल डिजॉल्व इन ब्लड, ब्लड में ज्यादा गैस डिजॉल्व होगी, और डिजॉल्व O2 ही होती है, O2 ज्यादा डिजॉल्व हो गई कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई है, कि ज्यादा ब्लड में O2 डिजॉल्व हो गई तो भाई प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, धड़कने तेज हो जाएंगी, बस ज्यादा तो थोड़ी कुछ होगा, लेकिन समस्या क्या है, N2 जो डिजॉल्व नहीं होती है मेरा प्यारा बच्चा, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आप ऐसे मान चलो कि ये आपकी ये हाथ है, एक नॉर्मल वाले हाथ बनाया और इसमें ये वीन्स हमने बना दी नसें, अब नस इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन तभी मान चलते हैं समझने के लिए, अभी नसों में हमने क्या कह दिया कि माना ये ब्लड है, ठीक है, ब्लू कलर में बना रहे, तो इसका मतलब समझना कि ब्लड ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और एलन जो मुई होती है उन्हीं में ऐसी कहानी होती है, बाकी इनमें अब हमने माना कि ये क्या है प्यारा बच्चा, ब्लड है, क्लियर। अब हमने कहा क्या कि ये जो ब्लड है इस ब्लड में O2 तो डिजॉल्व होके भी आ जाता, लेकिन जो N2 थी वो N2 ऐसे सरफेस पे क्या रही, कलेक्ट हो गई, N2 जो थी वो सरफेस पे कलेक्ट हो गई। अब होता क्या है कि जैसे ही स्कूबा डाइवर्स अचानक ऊपर की तरफ आता है तो कहानी बिल्कुल वैसे है जैसे कोल्ड ड्रिंक की नॉब को खोल दिया हो, क्या कहानी बनी कि एज स्कूबा डाइवर्स कम अपवर्ड, एज स्कूबा डाइवर्स कम अपवर्ड, जैसे ही स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ अचानक आना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो भाई होता क्या है तो उससे अचानक फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर अचानक कम हो जाएगा, अचानक प्रेशर क्या होने लगेगा, कम लगने लगेगा, देखो जैसे स्कूबा डाइवर्स आया ना तो प्रेशर अचानक क्या हो गया,
जैसे अचानक ऊपर गया ना वैसे ही प्रेशर कम होने लगेगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो इनिलटा कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो भी मेरा प्यारा बच्चा तुरंत क्या हो जाएगी, कम, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब, O2 जो तो ज्यादा डिजॉल्व हो गई थी लेकिन जो N2 टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट था वो N2 क्या होगा, नाउ N2 स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स। ये N2 जो होता है वो क्या बनाने लगता है, बबल्स फॉर्म करने लगता है, बबल्स, ठीक है, विथ स्ट्राइक टू द मसल्स, विथ स्ट्राइक टू द विंग्स, जो ये नसें होती हैं, विंग्स जो होती हैं उनमें ये टकराता है एंड क्रिएट अ पेनफुल कंडीशन। और वो क्या क्रिएट करता है, एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है और उस पेनफुल कंडीशन को ही हम कहते हैं वेंस या डिकम्प्रेशन सिकनेस। थोड़ा शॉर्ट में समझिए, इतना बड़े बड़े वर्ड नहीं दिखने, आपको काम कम वर्ड्स में भी कम चल जाएगा, ठीक है, वो आपको बुकलेट से समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या समझा कि स्कूबा डाइवर्स नीचे गया अचानक, ठीक, नीचे गया तो नीचे प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा गैस डिजॉल्व होने की कोशिश होगा, जब सांस लेगा तो ज्यादा O2, ज्यादा जो गैसेस होंगी वो बॉडी के अंदर जाएगी, O2 तो ज्यादा चली गई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन N2 जो था वो भी ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर कलेक्ट हो रही है, ठीक, जो कि टिश्यूज के ऊपर कलेक्टेड थी। अब हुआ क्या, जब अचानक ऊपर वापस आने की कोशिश किया तो प्रेशर अचानक ही कम हुआ, क्योंकि अचानक जब वो मुड़ा तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो जो एक्सेस में O2 और N2 था, O2 की बात ही छोड़ दो, जो एक्सेस में N2 था वो N2 बबल्स की फॉर्म में निकलता है और ये बबल्स जो होते हैं वो अंदर नसों में टकराते हैं और जब वो अंदर नसों में टकराएंगे तो एक बहुत पेनफुल कंडीशन महसूस होती है और उस पेनफुल कंडीशन को हम बोलते हैं किस नाम से, बेंड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई पूछेगा बताओ बेंड्स क्या होता है तो समझा ले जाओगे, आपको बहुत ज्यादा कहानी नहीं बोलना है, आप इतना बोलोगे एज स्कूबा डाइवर्स कम्स अपवर्ड फ्रॉम द डीप वाटर देन दे फील अ पेनफुल कंडीशन, दैट पेनफुल कंडीशन इज नोन एज बेंड्स और द डिकम्प्रेशन सिकनेस। यहां तक काम चल जाएगा। तो तीन क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल ये सीखे, इसी में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐड हो जाता है, इसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरा पहला बच्चा ऐड हो जाता है, क्या, किस बेंड्स की प्रॉब्लम जो इस बार आया भी था जो कहानियों में, कि हम हीलियम ऐड करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना कि हम लोग करते क्या हैं, वी ऐड हीलियम एज डाइल्यूटर, हम हीलियम को एज अ डाइल्यूटर यूज करते हैं, किस लिए, टू प्रिवेंट या फ्रॉम द प्रिवेंशन टू प्रिवेंट बेंड्स से बचने के लिए हम हीलियम उस सिलेंडर में एज अ डाइल्यूटर ऐड कर देते हैं। क्लियर है बच्चा, क्यों भैया हीलियम हम ऐड कर देते हैं, हीलियम की एक अच्छी बात है क्या, एक इनर्ट नेचर है, ठीक है, तो वो ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं होते, सबसे अच्छी बात कि हीलियम जो होता है वो एक इनर्ट नेचर रखता है और वो ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं होते है। जब वो ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस जब ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम बेंड्स की होने से हम बच जाते हैं, क्योंकि जब एक्सेस में गैस नहीं ब्लड में डिजॉल्व होगी तो अचानक बबल्स की फॉर्म में निकलने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, और हीलियम तो वैसे भी इनर्ट नेचर रहता है, वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है। तो अगर कभी कोई पूछे कि भाई हम हीलियम को एज अ डाइल्यूटर क्यों यूज करते हैं सिलेंडर के अंदर, तो आप बोलोगे कि हीलियम को हम एज अ डाइल्यूटर इसलिए यूज करते हैं जिससे ये बेंड्स की जो प्रॉब्लम थी, या इसका एक नाम और था डिकम्प्रेशन सिकनेस, उस डिकम्प्रेशन सिकनेस या बेंड्स की प्रॉब्लम से हम लोग क्या हो जाए, बच जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं, उसको हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं, किसके थ्रू, हीलियम के थ्रू डाइल्यूट कर देते हैं। इसी में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, चलिए मैं थोड़े से और समझा दे रहा हूं, देखता हूं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मेनली, देखिएगा ये तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आपके सामने बच्चा समझ में आ रहे होंगे, ये तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्लियर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा हेनरी लॉ, आप लोग आते हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं, कहता क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक,
और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है वैसे ही एक कांस्टेंट आता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, केज, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, हेनरी कांस्टेंट के नाम से। अब इन तीन कांसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ ही साथ में चलो देखते हैं और कौन से कांसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए कांसेप्चुअल क्वेश्चन और आते हैं, कांसेप्चुअल क्वेश्चन फोर, एक कांसेप्चुअल क्वेश्चन फोर पे आते हैं। एटलीस्ट में दो हो गए, एक तो बताइए बेंड्स क्या होता है, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन हो गया कि भैया हम क्यों एज आ हीलियम को ऐड करते हैं एज आ डायमीटर। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गए हैं, क्लियर। हमने जो कांसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े, पहला कौन सा कि कोल्डे की बटल की नॉब को खोलते हैं तो हमको हिसिंग साउंड को सुनाई देता है, दूसरा कि ये एक्वाटिक लाइफ जो होता है वो डीप वाटर में उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों होता है, तीसरा बेंड्स और डीकंप्रेशन सिकनेस कहते किसे हैं, चौथा कि भाई बेंड से बचने के लिए हम हीलियम को ऐड क्यों करते हैं, मतलब ये बेंड से बचने के लिए हीलियम को एज अ डायरेक्टर ऐड करते हैं तो क्या फायदा हो जाता है। ये चार क्वेश्चन तो आपने सीखे, तो इसको कांसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फोर दे सकते हैं, ये कांसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फोर दे देते हैं। अब कांसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फाइव कि एनी लॉ से पांचवा कांसेप्चुअल क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आता है कांसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर चार कि बताइए एनोक्सिया क्या होता है, व्हाट इज द एनोक्सिया। अब ये समझ लीजिए कि एनोक्सिया जो होता है ये एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ये एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेते समय प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, एट हायर एल्टीट्यूड, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो हायर एल्टीट्यूड पे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं एनोक्सिया। समझाने की कोशिश करो कि आप ऐसे समझो कि हमने कहा कि माना ये कोई जैसे पहाड़ जैसे हो गया कोई, ठीक, ऐसे माना कोई पहाड़, अब कोई इंसान है भाई, ये पर्सन कोई है और ये पहाड़ पे हायर एल्टीट्यूड पे जा रहा है, कह रहा नहीं हम तो आज जाएंगे और भाई ये केएसएफ का जो फ्लैग है वो केएसएफ का फ्लैग हम टांग के आएंगे, भाई प्रचार केएसएफ का ही करेंगे, उसने कहा भाई गए और ये केएसएफ का फ्लैग जो है वहां तक टांग के आना है, जोश जोश में यहां जा रहा है बेचारा, ये जोश जोश में यहां जा रहा है, लेकिन जैसे ये पर्सन ऊपर जाना शुरू करेगा वैसे वैसे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। क्यों ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, देखिए जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आना इसलिए शुरू हो जाएंगे कि जैसे कोई पर्सन हायर एल्टीट्यूड पे जाता है तो होता क्या है, एट हायर एल्टीट्यूड पे होता क्या है मेरा बच्चा, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, हायर एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर होता है किसका, गैस का, वो कम होता है, ठीक है, वो हायर एल्टीट्यूड पे गैस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, ऊपर गैस का प्रेशर कम, क्लियर, नीचे जितना आएगा उतना प्रेशर कम। अब हेनरी लॉ ने क्या बताया था, फिर देखो प्रेशर कम तो सॉलिडिटी कम, तो एज पर हेनरी लॉ ये बार बार जरूर लिख दिया करो, हेनरी लॉ वर्ड जरूर यूज कर लिया करो, फिर क्या निकल गया, एज पर हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये भी कम हो जाएगी मेरा बच्चा, समझ में आया, जैसे ऊपर जाए प्रेशर कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, अब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो लेस ओ टू डिजॉल्व इन टू ब्लड, लेस ओ टू डिजॉल्व इन टू ब्लड, मतलब अब ब्लड के अंदर ज्यादा ओ टू थोड़ी डिजॉल्व होगी, अब लेस ओ टू ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगी, तो सांस ले तो रहे पूरी लेकिन ओ टू ब्लड में कम ही डिजॉल्व हो रही है, अब जब ओ टू कम डिजॉल्व होगी मेरा प्यारा बच्चा तो आप सीधी इस बात क्लियर है कि पहले धीरे धीरे चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको सिकनेस महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, कमजोरी में आना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी जो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती जा रही है इसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोक्सिया। मतलब जैसे जैसे तुम जोश में ऊपर एक तरफ बढ़ते जा रहे हो ना वैसे वैसे तुमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ज्यादा महसूस हो रही है, पता चला कि तुम जोश में और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो और उसी जोश जोश के चक्कर में बहुत ही ऊपर चले गए, तो ये ऐसा समझ आया ना, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया के नाम से। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एनोक्सिया क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि एनोक्सिया जो होती है वो एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पर प्रेशर कम होने लगता है, ओ2 ब्लड के अंदर कम डिजॉल्व होती है, तब जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया के नाम से जानते हैं, क्लियर। और जो कांसेप्चुअल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं उन कांसेप्चुअल क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, देखो
इसके सामने जैसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 हेनिला पे, यही रेगुलर क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में, वन मार्क्स में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हेनिला पर ज्यादातर आता है। उसके बाद में तुमको न्यूमेरिकल्स डील करना सिखाऊंगा, क्लियर। पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दो। आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है कि इफ देयर आर द थ्री गैसेस, इफ देयर आर थ्री गैसेस, देखिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से डील कर रहे थे, हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हेनिला के लिख रखे हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 6 में, इसमें हम लोगों ने आपको क्या डिस्कस किया था कि अगर मैंने आपके सामने तीन गैसेस हैं ए बी और सी, देखिए इन तीन गैसेस हमारे सामने दे रखी, ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, और इनका हेनली कॉन्स्टेंट दे रखा है। पूछ क्या रहा है कि बताइए कौन सी गैस होती है वो मोर सॉल्युबल है, क्लियर। अच्छा कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है ये पूछा गया है। एक चीज ऐसे समझो, हेनिला कहता क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस पे वो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, केएच इनटू मोल फ्रैक्शन, इसी को हम सॉल्बिलिटी कहते थे। सॉल्बिलिटी और केएच का अपनी रिलेशन निकालो, क्या निकल के आ रहा है, जो सॉल्बिलिटी है वो केएच के क्या निकल के आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसका केएच कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो यहां पर के सबसे कम किसका है, बी का, देखो बी का कितना है, वन सबसे कम, तो एच बी हैव लोवेस्ट केएच वैल्यू, लोवेस्ट केएच वैल्यू, सो बी की जो केएच वैल्यू है वो लोवेस्ट है, इसलिए मेरा बच्चा हैव हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इसलिए उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी मेरा प्यारा बच्चा, हाईएस्ट होगी। इतनी बात क्लियर है। तो लगभग लगभग 6 तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आ सकते हैं हेनिला के, और वो मैंने आप लोगों को थोड़ा डील करना सिखा दिया, क्लियर। इतनी चीज हो जाने के बाद चलिए थोड़ा सा लिमिटेशन देखते हैं कि भैया हेनिला की लिमिटेशन क्या होती है। पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर से मैंने जैसा बार बार आपको बताता हूं कि अगर आप 100 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, क्लियर। कुछ बेसिक लिमिटेशंस में सिखा दे रहा हूं। जैसे हेनिला की कुछ लिमिटेशन क्या है कि ये अप्लीकेबल होता है, इट इज ओनली अप्लीकेबल, ये जो होता है मेरा बच्चा ये केवल अप्लीकेबल होता है, ओनली अप्लीकेबल, ये केवल अप्लीकेबल होता है मेरा बच्चा, किसके लिए जानता हूं, ये केवल हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर आइडियल गैस, इसको हम केवल आइडियल गैस के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है इस नियम को। आइडियल गैस कोई होती नहीं, आप लोगों को पता है सारी गैस रियल होती हैं। आइडियल हम मानते कब हैं, जब लो प्रेशर हो, जब लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो। तो पहली एक कंडीशन क्या निकल के आई कि ये भाई आइडियल गैस के लिए अप्लाई होगा, या तो लो प्रेशर या तो हाई टेम्परेचर, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इसमें क्या होना चाहिए कि गैस जो होनी चाहिए शुड नॉट बी, गैस शुड नॉट बी हैव नेचर ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, मतलब ये नहीं है कि गैस जो है पानी में डाला या गैस जो है उसके अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का नेचर आ रहा है ना, ये नहीं हो सकता मेरा बच्चा। ये केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है हेनिला। हेनिला में जो गैस ली भी जाती है वो पानी में जाकर टूटनी नहीं चाहिए और वो पानी में आयनाइज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और एक चीज और इसमें, जैसे इसकी लिमिटेशन में आप ऐसा कर सकते हो, हाँ गैस कुड नॉट बी कंबाइन, गैस जो होनी चाहिए वो शुड नॉट बी कंबाइन, आप कह सकते हो कि गैस कंबाइन नहीं करनी चाहिए, गैस शुड नॉट बी कंबाइन, शुड नॉट बी कंबाइन विद वाटर। ऐसा नहीं हो कि गैस जो है वाटर के साथ कंबाइन हो जाए, ये नहीं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया को पानी में डाला तो ये बना दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जाके टूट रहा है अमोनियम आयन प्लस OH- ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लो कि इसकी कुछ बेसिक लिमिटेशन होती है, उनमें दो तीन और भी लिमिटेशन होती है, लेकिन दो तीन लिमिटेशन को कम से कम आपको पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अभी हम लोग जो डील करेंगे, जो इसका एक अच्छा पार्ट होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो हेनिला पर है उसके क्वेश्चंस को आप एक बार पहले रीड करिए कि क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं, उनमें कुछ कॉमन चीजों को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर, फिर मैं आपको उनको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन,
आपने जब क्वेश्चन देखा होगा तो मेरा बच्चा मैं आपको कुछ बातें सिखा देता हूँ। जैसे अगर आप हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स को डील करने जा रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल में सिखाता हूँ मैं। इनका सबका कॉन्सेप्ट दूंगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करना कैसे, सबका क्वेश्चन तुम खुद करोगे, करने के बाद एक बार आंसर लाओगे, उसके बाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक प्रॉपर न्यूमेरिकल क्लास लगाऊंगा, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही मैं डिस्कस करूंगा। हम लोग आज केवल ये सीखेंगे कि भाई हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, बस। अभी पहली बात तो ये कैसे जानेंगे कि ये न्यूमेरिकल जो है वो हेनरी लॉ का है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल हेनरी लॉ का होगा तो पहचानने की एक सबसे बड़ी बात कि उसमें हेनरी कांस्टेंट दे रखा होगा। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट ऊपर पहली लाइन में लिखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा। इसमें भी देखो केएच दे रखा है, इसमें भी कहीं ना कहीं केएच दे रखा होगा, हेनरी कांस्टेंट। मतलब अगर हेनरी कांस्टेंट दिख गया तो अंदाजा लग जाएगा कि न्यूमेरिकल जो है वो हेनरी लॉ का है। या न्यूमेरिकल की फीलिंग देखिए, किसी गैस को एक लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ऐसी है गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, ये थीम होते हैं हेनरी लॉ के। अब हेनरी लॉ का जो न्यूमेरिकल आता है उसकी थीम हमको समझ में आ गया कि एक गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्या है, N2 की सॉल्विबिलिटी पूछ रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, N2 को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। यहां देखो क्या है कि N2 गैस इज डिजॉल्व इनटू द वाटर, समझ में आ रहा है। यहां पर भी देख लो तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो कि CO2 जो है वो सोडा वाटर के अंदर डिजॉल्व है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि एक गैस को लिक्विड के अंदर क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल में, क्लियर। इसके बाद वो पूछता है क्या कहता है, फाइंड, और फाइंड करने में कई तरीके की बातें बोलता है, ऐसे बोलता है फाइंड। अब वो कई बात बोल सकता है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब कीवर्ड्स को पकड़िए, जरूरी नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल लिखे ही होंगे, हम सारे बता दे रहा हूं क्या क्या पूछा सकता है। या तो कहेगा कि फाइंड, मतलब शुरुआत में हमने कहा था कि एक गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेगा, हेनरी कांस्टेंट दे रखा होगा, एंड ब्लाब्ला करके सब कुछ दिया होगा, फिर कहेगा फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऐसे बोल देगा। या क्या कहेगा, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये पूछ लेगा। या क्या कहेगा, फाइंड द मोल्स ऑफ द गैस, ठीक। या फिर इसमें क्या बोलेगा, फाइंड द मिली मोल्स ऑफ द गैस, ये जो लास्ट लाइन बोलता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, फाइंड द मिली मोल्स ऑफ द गैस। या फिर वो क्या कह सकता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस केवल इतना, लेकिन अमाउंट ऑफ द गैस में दोनों लेंगे। या तो कहेगा अमाउंट ऑफ द गैस ग्राम पर लीटर में निकालो, या तो कहेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ द गैस मोल पर लीटर। ये देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया, हेनरी कांस्टेंट दे दिया, प्रेशर दे दिया, उसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स यूज करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, ये निकालो, ये निकालो, मुझे जैसे मैं कुछ कुछ बताता हूं। यहां पर देखो क्या पूछा गया है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स, कहा नहीं था नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस पूछेगा इस क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मिली मोल्स ऑफ द गैस, मिली मोल्स पूछ सकता है। या फिर देखो क्या कहेगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द CO2, अमाउंट ऑफ द गैस पूछ सकता है, नहीं तो क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ द गैस, क्या कहेगा, क्वांटिटी ऑफ गैस। ये तो मैंने बताया मेरा पहला बच्चा कि आपके कौन कौन से शब्द वो यूज कर सकता है, क्लियर। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई न्यूमेरिकल को कैसे डील किया जाता है, क्लियर है मेरा पहला बच्चा। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और लिमिटेशन जो है इतने पार्ट को मैं आपको मिटा दे रहा हूं, मैं यहां पर न्यूमेरिकल बता रहा हूं कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि पहला टाइप हमने ऐसे कहा, पहले टाइप के क्वेश्चन में हमने ऐसे कहते हैं कि इसने सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछा। एक बात ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, कोई अगर वो रट लीजिएगा कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछ रहा है तो इसका मतलब दिमाग में इन दोनों का मतलब सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पूछ रहा है तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ये निकालना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पहले बताया था। मोल्स ऑफ द गैस पूछ रहा है मतलब क्या निकालना है, Ng नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। मिली मोल कैसे निकलेगा, जब नंबर ऑफ मोल लिख ली चुका है तो एक मोल में 1000 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से मिली मोल्स आ जाएंगे। मतलब पहले पता तो करो कि निकालना क्या होता है, उसने लास्ट टाइम बोला मिली मोल्स ऑफ द गैस निकालो, मतलब एनजी निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ द गैस या क्वांटिटी ऑफ द गैस पूछता है अगर, तो क्वांटिटी ऑफ द गैस निकालने के लिए एनजी को निकालकर उसको मोलर मास से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं भैया ये चीज, क्योंकि याद करो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, होता था फॉर्मूला, इसे क्या हम बोलेंगे, क्वांटिटी।
तो क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आया, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, वही करो मोल इंटू मोलर मास। लेकिन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एग्जाम में आया लिखा है क्वांटिटी ऑफ द गैस निकालो, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं एनजी निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज बतानी चाहिए कि क्या क्या निकालना है। अच्छा इनमें अमाउंट ऑफ द गैस में दो लैंग्वेज, केवल मोल पर लीटर का है तो केवल एनजी निकालो, ये कीवर्ड धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, मैं डायरेक्ट सिखा दे रहा हूं जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ग्राम पर लीटर में पूछेगा तो वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई, मास पूछना ना, तो एक आइडिया लगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। इस चीज को जरूर आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन को कैसे कैसे करते हैं, मैं उनको टाइप वाइज में बांट के कुछ क्वेश्चन को डील करना सिखाता हूँ। क्लियर? देखिए जैसे मेरा पहला बच्चा, अगर मैं टाइप वन की बात करूं, एग्जाम में सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछा तो पहला तो फॉर्मूला यही लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान चीज होती है, पहले टाइप के क्वेश्चन में जब सुने ये अपने कब पूछा कि खाली तुम सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस निकालो ये फाइंड करो, तो ऐसे क्वेश्चनों में पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी दिया होता है और के एच भी दिया होता है, दोनों दिया होता है। क्लियर? अब दोनों दिया है, दोनों की वैल्यू रखो और आपको सीधे क्या निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो होगा वो निकल के आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा नौटंकी क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नौटंकी ये कर सकते हैं कि इन दोनों की यूनिट अलग अलग दे सकते हैं, ये एटीएम में दे दिया, ये पास्कल में दे दिया, ये बार में दे दिया, ये एटीएम में दे दिया, कुछ भी, तो दोनों की यूनिट सेम करना होगा, बस इतना कर सकते हैं क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन बहुत आसान होगा जिसमें केवल सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस निकालना हो। अब कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 एटीएम बराबर जो होता है वो 760 mmHg होता है, आपने पढ़ा होगा, या 0.987 बार होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा 10^5 पास्कल होता है, ये आपने पढ़ा है। अब टाइम नंबर टू देख मेरे बच्चा, टाइम नंबर टू के क्वेश्चन में अगर मोल्स एनजी पूछा, अगर ऐसा नहीं लिखता है ना कि नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस अगर पूछा या मिली मोल्स ऑफ द गैस पूछा, मोल्स या मिली मोल्स ऑफ द गैस पूछा, मोल्स और मिली मोल्स से पूछा, मिली मोल्स पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है मेरा बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में पहले स्टेप वन तो ये करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, मतलब पहला स्टेप तो करना ही करना है, यूज फॉर्मूला, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन, ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्लक्स फ्रॉम द गैस। क्लियर? एंड फाइंड, और उससे फाइंड क्या करना होगा, इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस निकालना होगा, ये पहला स्टेप तो करने करना है। दूसरा स्टेप क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कौन होंगे, गैस तो थी ही मेरा बच्चा, प्लस वहां पर क्या था, वाटर के भी मोल। क्लियर? आप याद करो एक दिन मैंने बहुत पहले वीडियो बताया था कि मोलैरिटी निकालो एक प्योर वाटर की, वहां पर सिखाया था, ये तो देखो तुमने पहले स्टेप में निकाल ही लिया है, ये तो पूछा गया है मेरा बच्चा। क्लियर? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर जो होते हैं वो आपको कितने रखने हैं, 55.5 रखना है, मैं ये पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको अगर आप मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में जाओगे तो वहां जब टाइप पढ़ा रहा था उसमें ये चीज सिखाई थी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने रखने हैं, 55.5। लेकिन ये नहीं कि सर ने बता दिया 55.5 उधर लिया बस वही रखना है, ये केवल और केवल तब रखते हैं जब जो सॉल्यूशन है वो एक लीटर हो, एक लीटर वाटर हो जब तभी रखते हैं, या ना कुछ कुछ भी ना दिया हो तभी लीटर मान के करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं कितने लीटर है सॉल्यूशन, तो हम 55.5 ही रख लेंगे, इसमें देखो लिख रखा है साफ साफ कितना है 1 लीटर, तो कितना रखेंगे 55.5 रखेंगे। लेकिन ये नहीं कि आंख बंद किया और बस 55.5 हर जगह पर रख दोगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इनमें देखो क्या दे रखा है 500 मिलीलीटर सोडा वाटर, 500 मिलीलीटर सोडा वाटर, तो ये 55.5 तब रखते हैं जब एक लीटर है, जब 500 मिलीलीटर होगा तो इसका हाफ हो जाएगा 27.25। ये आया कैसे था मैं बता दूं, आपने वाटर एक लीटर को 1000 ग्राम के बराबर माना था, मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया था, तब जाके 55.5 आया था। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ये दिया होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालना है, ये 55.5 रख दे रहा है अगर एक लीटर है, और निकल के आ जाएगा, और इसको तुम निगलेक्ट कर दो, कर दिया करो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि गैस के मोल वाटर के कंपेरिजन में कम होते हैं, तो जैसे ये निगलेक्ट कर दिया,
ये रख दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकल के आ जाएगा। तो तुमने क्या देखा पहले टाइप के क्वेश्चन में केवल सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछेगा ये कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने क्या रहेगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। टाइप थ्री क्वेश्चन देखो, टाइप थ्री क्वेश्चन में अभी क्या था कि जब वो अमाउंट ऑफ द गैस पूछ रहा था, बताया नहीं था मैंने बच्चा कि अमाउंट ऑफ द गैस पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस ऐसे ही निकाल लोगे, नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैस ऐसे ही निकाल लोगे और बस उसको मोलर मास से क्या कर दोगे गैस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहां अमाउंट ऑफ द गैस है तो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ द गैस पूछा है, तो क्वांटिटी अगर पूछा है अमाउंट ऑफ द गैस या क्वांटिटी कुछ भी पूछे अमाउंट ऑफ द गैस या फिर क्या पूछे क्वांटिटी पूछे तो एनजी निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ टू निकालोगे और उसका मोलर मास कितना होता है 44, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा विजन कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये भी समझ में आ गया कुछ टाइप के क्वेश्चनों में, देखो हेनी लॉ के क्वेश्चनों में क्या होता है एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आईएससी बोर्ड में एक दो क्वेश्चन अगर देखोगे तो बिल्कुल पुराना फॉर्मूला कि जो मास होता था गैस का वो हेनी कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर भी न्यूमेरिकल आपको उसमें मिल जाएंगे न्यूटन की किताब में आईएससी बोर्ड में जो ज्यादातर यूज होती है। इसी में टाइम नंबर 5 के न्यूमेरिकल में कभी कभी रेशियो निकालना होता है, उसमें जैसे एक गैस का पार्शियल प्रेशर इतना है तो KH इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर दोनों का KH सेम है, वाटर के अंदर डिजॉल्व किए तो दोनों का KH सेम है, तो कभी कभी फॉर्मूला यूज कर लिया गया क्या P1 अपॉन P2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन अगर KH सेम है, इफ KH सेम, और अगर KH सेम नहीं है तो ये भी 1 और 2 आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यार रेशियो देखो पूछा है, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछा ना, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है तो पहले इसका निकालो और दो सारी वैल्यू देखो दे रखी है, सभी चारों वैल्यू दे रखी रख दो आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन सीधा पहले क्वेश्चन में क्या पूछा नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 ये करेंगे, मैं वहीं से हिंट दे दे रहा हूं पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में वहीं समझा रहा हूं देखो क्या पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर केज दे रखा होता है, मैंने पहले बोला था ढूंढता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहाँ दे रखा है, नहीं पहला क्वेश्चन अलग टाइप का है ये मैं अलग बताता हूँ, ये टाइप नंबर 6 में चला जाएगा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन होता है, ये सीबीसी में है नहीं लेकिन रेफरेंस में या फिर कम्पिटेटिव लेवल में कभी कभी पूछ लेता है, एक अलग थीम है थोड़ी सी बस, बाकी जनरली एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको और बोर्ड में आए भी नहीं अभी तक, केवल रेफरेंस में क्वेश्चन मिलते हैं, तो पहला तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख लो, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में देख लेता हूं मिलीमोल्स निकालने, तो मोल्स या मिलीमोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा दिया तुमने, क्या चाहिए हमको पार्शियल प्रेशर और KH, क्या पार्शियल प्रेशर गैस का दे रखा है, हाँ देखो ये दे रखा है, ये पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है गैस का N2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है ठीक, और KH देखो KH भी दे रखा है और ये देखो क्या दे रखा है मेरा बच्चा KH दे रखा है, लेकिन दोनों ध्यान दो वो बार में है ये किलो बार में, तो सेम यूनिट कर लेना, जैसे सेम यूनिट कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन N2 का आ जाएगा। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन N2 की वैल्यू रखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 तो 35, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने रख लोगे 1 लीटर है 55.5, इसको क्या कर लोगे निगलेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स तो निकल के आ गए मिलीमोल निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं मेरा प्यारा बच्चा, सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेना, मैं हिंट दिए भी दे रहा हूं सबका, अब इनका हिंट भी समझ लीजिए जिससे क्वेश्चन आप कर ले पाए ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ये चीज अपने दिमाग में खुद बैठाइएगा ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसकी हिंट में क्या है बच्चा, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या लगाओगे KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ठीक, देखो ये दोनों क्या है दे रखी हैं, बस यूनिट क्या कर लेना सेम, एक बार में है किलो बार में।